बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में बॉर्डर ट्रेड और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जमियात गाड़ी मालिकान अब्दुल समद दोस्त जान खैर और खलील आसकानी की ज़ेरे सदारत बरोज़ इतवार को मीर ईसा कौमी पार्क में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हक दो तहरीक के रहनुमा याकूब जोस्की भी मौजूद थे। इजलास में बॉर्डर ट्रेड और रजिस्ट्रेशन के हवाले से इजहार ख्याल करके मुशावरत की गई। इजलास में बताया गया कि 2 साल कबल FC कैंप डी बलोच में 1883 में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई, जिनमें 1100 गाड़ियों को नौबत की लिस्ट में जबकि बाकी 783 गाड़ियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। 2 साल गुजरने के बावजूद बकिया 783 गाड़ियों को नौबत के मास्टर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। जब बॉर्डर ट्रेड का मामला FC बलूचिस्तान ने बॉर्डरी जिले इंतजामिया के हवाले किया तो जिले इंतजामिया ने FC का पुराना रजिस्ट्रेशन लिस्ट लेकर नौबत के लिए चलाई। FC का आखिरी रजिस्ट्रेशन के 783 गाड़ियां रह गई हैं। हमने DC कीच हुसैन जान बलोच के पिछले दौर और मौजूदा तायुनाती के दौर में मुलाकात करके मसले से आगाह किया। इससे पहले DC बशीर अहमद बड़िच, DC औरंगजेब बादीनी और बॉर्डर यूनियन के अहदेदारों को भी बताया है। सब ने हमारे मुतालबे को जायज करार दिया लेकिन तहाल इंसाफ नहीं मिला है। अगर 22 नवंबर तक मसला हल ना हुआ और इंसाफ ना मिला तो मजबूरन 23 नवंबर को डी बलोच शाहरा पर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर याकूब जोस्की ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी एहतजाज पर हक दो तहरीक मुकम्मल साथ देगी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।